तो मानने को लग रहे थे ना कि पैसे तो कटे ही नहीं है, पैसे तो तुम्हारे खाते में है ही नहीं। अभी मैडम माइये टोल पे फिलहाल ये खड़े हैं और इनके साथ लूट करी है टोल वालों ने। अभी अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि भाई मैयड़ टोल पर एक परिवार के साथ जो है बदसलूकी करी है टोल वालों ने। इस साइड आ जा भाई, ये गाड़ी आप देखने लग रहे हैं और ये पीछे दिखा दो भाई, ये गुंडा टैक्सी जिसने हमें कहा कर रहा, यो गुंडा का अड्डा है और ये गाड़ी है। और दूसरी बात, गाड़ी के अंदर महिला भी थी और साथ में जो है बदसलूकी की गई है। हालांकि इनका टोल कट लिया था, इनके पास मैसेज भी आया है और साथ में कैश मांग रहे हैं। क्या कुछ घटना घटी आपके साथ यहाँ पे? ऐसे है सर, हम आए ये बीच वाले खाने, तो आगे कार खड़ी थी तो वो उसका सर्चिंग नहीं हो रहा था, उसके पैसे कटे नहीं थे तो हम उसके पीछे खड़े रहे करीब होगी 3-4 मिनट। उसके बाद में फिर उनका कर्मचारी आके मोबाइल लगा लिया यहाँ पर, तो हमें बोला भाई मोबाइल हटा ले, मोबाइल मत लगा। बोला उसका सर्चिंग नहीं हो रहा है इसलिए हम यहाँ लगा रखे, और तो उसका सर्चिंग नहीं हो रहा तो आप करो ना, हमारे डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद में फिर वो गाड़ी आगे निकल गई। उसके बाद में जैसे हम गाड़ी से निकले तो पीछे से धड़ से आवाज आई, मतलब पीछे आपकी गाड़ी कुछ मारा है, और साथ में ये देख लो महिला भी मौजूद थी गाड़ी में, और ये बदसलूकी जो एक गुंडे करण लग रहे हैं और उड़ा दिखने लग रहे, शायद सुपरवाइजर है। जल्दी जल्दी आ जा भाई, फास्ट आ, जल्दी बाजगा। ये देखो भाई, ये गुंडा टैक्स है भाई, ये देखो बर्दाश्त नहीं करांगे इसने, क्योंकि जो है परिवार का साथ जो है ये मारपीट कर रहा है, और रोज खबर आवा है कि भाई आज वो पीट दिया, आज फलाने कर दिए, मतलब ये गुंडे है भाई एक किस्म से। और यहाँ पर सुपरवाइजर भी आ गया है। भाई साहब किसकी गाड़ी थी वो? गाड़ी आपकी थी के? गाड़ी आपकी थी नहीं? टोल कटवाया आपने? हाँ टोल ये आ रहे फर्स्ट से। मैसेज दिखाओ एक बारी भाई, साथ की साथ तस्वीर शेयर कर दियो। माइल एक मिनट, ये किस पे है वो? टोल का नाम लिखा होना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर लिख गया लो बैलेंस ऑफ 45 रुपए इन यूर, मतलब ये होता है कि बैलेंस आपका कम है आगे डलवा लेना। ये एक बार दिखाइए भाई, इसके ऊपर दिखने लग रहा है 45 रुपए। सुपरवाइजर आप हो जी? आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? नहीं, आप ये कार्ड वगैरह डाल रहे हो, क्या काम करते हो आप यहाँ पे? किस पर? मेरी तो अंदर ड्यूटी है, कैश रूम में। कैश रूम में ड्यूटी है। सुपरवाइजर कहाँ आएगा भाई? सुपरवाइजर कहाँ आएगा? बात ये कर रहे भाई साहब, सुपरवाइजर ये है हमारा। ये आप सुपरवाइजर हो? आप सुपरवाइजर हो कि नहीं हो? सुपरवाइजर आवा है भाई साहब, आवा है। अच्छा, तो ये बताओ इनका अकाउंट में से पैसे कट रहे हैं और फिर भी जो है ये गुंडागर्दी क्यों चल रही है? तो देख लो आप, मन तो वैसे देखा को नहीं है, मन तो देखा को ना, ना ये देख लो आप, दूसरा था वो तो कोई और था। दूसरा था क्या? और ने बोले कटे को नहीं रहे पैसे। अच्छा, ऐसे बोले कट ही नहीं रहे पैसे, देख लो 45 रुपए इसमें से कटे हुए नजर आ रहे हैं, खाते में पैसे नहीं है। और पीछे से गाड़ी पे भी मारा कुछ? गाड़ी पे मारा, जोर से आवाज आई है। गाड़ी के पीछे कुछ मारा है? हाँ मारा है जी, लठ मारते हैं ऐसे जोर से आवाज आई है। मतलब पीछे गाड़ी के पीछे लठ मारे आपने, ये सुना है? हाँ खुड़का है, मैं पीछे बैठी थी ना। अच्छा, ऊपर से तेज से आवाज आई है। और ये मैसेज के पैसे कटने का है? इधर हमारे को आधे घंटे फिर खड़े रखे इन्होंने। आपने 10-15 मिनट रोक के रखे? कोई ऐसी वो मोबाइल लड़ाते नहीं, अपना काम नहीं है रोकने का, अपना काम ही नहीं रुकने जी, ये खुद से भी तो सही। कितनी देर आपकी गाड़ी रुकवाई है? काफी देर रुकी है, आधे घंटा खराब कर दिया। आधे घंटा खराब, काम जाना था, वो काम ही नहीं बना। अच्छा, तो आप हमारे पास चले गए? मतलब मेन समस्या की थी, कैश मांगने लग रहे थे आप? हाँ जी। अच्छा, आपने दिया? दे दो। आपने दिया? नहीं, हमने कैश नहीं दिया, हमने मीडिया का नाम लिया, मीडिया को बुला रखी है, जाओ। अच्छा, उसी लिए टाइम लग गया यहाँ। अच्छा, आधा पौना घंटा लगा के खड़े रहे हम यहाँ। अच्छा, और वो डंडा डुंडा मारे आपने के दिखे थे पास डंडा मारे? वो पता ये कह रहे वो लगे हैं मेरे को ऐसे लगे। भैया बदसलूकी जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाओगी, क्योंकि हर रोज जो है नई नई खबरें आवा है, फलाने टोल पे फलाने पीट दिए, फलाने टोल पे महिला के साथ जो है छेड़छाड़ कर दी। भाई ये गुंडा टैक्स भाई, हम सीधी बात है आपने भी कहोगे ना दिया करो, एक बार बता दी गाड़ी हम ले वहाँ, हर तरीके का टैक्स हम उस टाइम पे करते हैं, रोड टैक्स पे ये कौन सा टैक्स रह गया? फिर कौन सा टैक्स रह गया? यू आपने प्रशासन को बुलाया, 112 बुलाया मौके पे? ना अभी तक तो नहीं बुलाया सर। आपने कॉल करना चाहिए था, प्रशासन को सूचना देनी चाहिए थी। हमें इतना ज्ञान नहीं था ना, मैं तो भाई के पास फोन कर रहा था, भाई बोले आ रहे चल मैं भेजता हूँ। आप गाड़ी में महिला आपके साथ है, लेकिन आपने फिर भी प्रशासन को नहीं बुलाया, ये गलती तो आपकी भी है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। क्या करें, हम खुद अब तंग हो गए भाई। किसने बुलाने लग रहे हैं? किसने बुलाने लग रहे हैं? हाँ कॉल करो भाई, डायल 112 पर कॉल करो, और ना ये मैनेजर आने ना सुपरवाइजर आने लग रहे हैं।
निकाल लग रहे थे ना कि पैसे तो कटे ही नहीं है, पैसे तो तुम्हारे खाते में है ही नहीं। अभी मानेंगे जी, अभी मानेंगे। और फिर दूसरी बात, बदसलूकी करना, चलो कोई बात नहीं, पैसे कैश में लो या उससे फास्टैग से कटो, लेकिन बदसलूकी तो गलत है ना। हम तो तुम्हारा फायदा कर रहे हैं, ये तो 180 रुपए कट जाते हैं भाईबंदी से। हम तो तुम्हारे को जान दे रहे हैं आधा घंटा इधर खड़े करके, उसके बाद में बोल रहे हैं चले जाओ। कहने की बात यह है, हर तीसरे दिन का काम हो गया इनका। तीसरे दिन किसी ने किसी के लिए गुंडागर्दी करनी ही करनी, इनने गुंडागर्दी करनी ही करनी, चाहे गाड़ी में परिवार हो, चाहे गाड़ी में महिला हो, चाहे बालक बच्चे हो, किसी के फैमिली से इन गुंडा ने कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपकी रोटी सेकंड का मतलब है इन गुंडा ने। वीडियो ने शेयर कर दी, सुपरवाइजर आने लग रहे, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे, मौके पर 112 बुलाओगे और उनसे भी पुलिस प्रशासन भी सूचना देंगे भाई इस तरीके से गलत सलूक करने लग रहे हैं। मैडम माइये टोल पे फिलहाल ये खड़े हैं और इनके साथ लूट करी है टोल वालों ने, इनके फास्टैग से भी रुपए काट लिए और फिर इनसे कैश भी ले लिया और अब सुपरवाइजर मीडिया से बचता भाग रहा मैडम, अंदर छुपा बैठा है। क्या मैम है क्या वहाँ पे आई हुई? हाँ जी बुलाओ जी एक बार, डायल 112 की सेवा आती है। बात सुनिए जी, सुनिए सर, नाम क्या है आपका? मदन लाल जी, मायड इसार। हेलो, हाँ जी हाँ जी, यही मैटर है जी। ना लिए नहीं जी, मांग रहे हैं, नगद मांग रहे हैं, खड़े रखे हैं हमारे 20 मिनट, आधा घंटा खड़े रहे। मायड टोल, मैडम मायड, प्रेस का नाम लिया, जब इन्होंने छोड़ा हमारे को, जब इन्होंने कहा कि हम मीडिया को बुला रहे हैं तो सुपरवाइजर छुप के अंदर बैठ गया मैडम। ठीक है जी, ठीक है जी, लो भाजी पुलिस इनकी पोल पट्टी दी बे पट गई नहीं मैं आप।